पिछले दिनों नई दिल्ली में मैक्सिको प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक हुई। इस बैठक में भारत और मैक्सिको ने एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पृथ्वी, महासागर विज्ञान, जल, खनन खनिज, क्लीन एनर्जी, बायोटेक और हेल्थ केयर जैसे कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर फोकस करने के लिए अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऐतिहासिक समझौते के मौके पर मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेल एब्रॉड भी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैक्सिकन विदेश मंत्री को आश्वासन दिया कि मैक्सिकन पक्ष द्वारा जल, लिथियम और टीकों के तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को CSIR और अन्य सहायक संगठनों द्वारा ध्यान रखा जाएगा और भारत आने वाले कुछ महीनों में ठोस परिणाम प्रदान करेगा। वहीं मार्सेलो एब्रॉड ने महामारी के चरम के दौरान कोविड टीके भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने रेखांकित किया कि भारत मैक्सिको को टीके भेजने वाला पहला देश था, जब कई अन्य उन्नत शक्तियों और दोस्तों ने इसके लिए अनिच्छा जाहिर की थी।